दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग वे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को NBT न्यूज़ की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। यूपी पुलिस के जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो कि आप लोग 49,568 पदों की वैकेंसी के बारे में रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए NBT न्यूज़ की ओर से अपडेट आई है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो पूरी अपडेट को जान सके और वह भी आश्वस्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ट्रेंडिंग वे की तरफ से कोई भी अपडेट आएगी, आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट के लेकर कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको मिल सकेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और ये वाला बेल घंटे को दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अपडेट देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है 27 और 28 जनवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 49,568 पदों के लिए ये परीक्षा का आयोजन किया गया था, और इसका आंसर की जो है वो फरवरी में ही जारी कर दिया गया, और संशोधित आंसर की जो था आप लोगों का वो आप लोगों को 12 मार्च को संशोधित आंसर की जारी कर दिया गया था। और अब दोस्तों माना जा रहा है कि अब परिणाम घोषित होने में समय नहीं लगेगा और परिणाम जो है इस हफ्ते के अंत तक या अगले महीने कभी भी घोषित हो सकते हैं। तो जैसा कि NBT न्यूज़ की तरफ से बताया जा रहा है दोस्तों कि आप लोगों का इस हफ्ते के अंत तक या फिर अगले महीने कभी भी जो है आप लोगों का घोषित कर दिया जाएगा रिजल्ट। तो देखिएगा अब क्या होता है, उम्मीद करूंगा अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो पल पल की अपडेट जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप लोगों तक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसलिए आप लोगों को हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जान सके NBT न्यूज़ की ओर से क्या अपडेट आई है। धन्यवाद, वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब।